छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में धारा 144 लगाई गई है। चुनाव तो है ही, लेकिन नवापारा अभ्यारण्य से सटे 7 गांव में अलग से धारा 144 लागू किए जाने का आदेश जारी हुआ है। हालांकि कलेक्टर के इस आदेश से वन विभाग में ऊहापोह की स्थिति है। देखिए रिपोर्ट। ये खूबसूरती है छत्तीसगढ़ के नवापारा अभयारण्य की, मोर, तेंदुआ और भी कई जानवर। लेकिन 7 मार्च को आई इस तस्वीर से लोगों में दहशत है। नवापारा अभयारण्य में बाघ का ये वीडियो वहां घूमने गए पर्यटकों ने वायरल किया। पहले तो वन विभाग के अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर पाए, बाद में हामी भरी। वन विभाग की इस रिपोर्ट के मुताबिक 7 मार्च 2024 की शाम सिरपुर क्षेत्र में एक बाघ को देखा गया था। बाघ अनुसूची 1 का वन्य प्राणी है। बलौदा बाजार, भाटापारा के रवान, मोहदा, कोहा बहारा, मुरमडीह, छताल डबरा, गजराडीह और दलदली में वो घूम रहा है। इसलिए इस क्षेत्र में अधिक संख्या में भीड़ भाड़ इकट्ठा होने से बाघ उत्तेजित हो सकता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के एल चौहान ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144(1) एवं (2) में मिले अधिकारियों का प्रयोग करते हुए जिला बलौदा बाजार भाटापारा के वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत बाघ विचरण क्षेत्र के 7 गांव में वन विभाग की अनुमति के बिना अन्य बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। 3 दिन पहले हम लोग बाहर एरिया में, मैं, एसपी, डीएफओ और हमारे समस्त जिला स्तरीय अधिकारी हम वहां पे गए थे। वहां पे हम लोगों ने स्वीप कार्यक्रम भी किया था बाहर गांव में, और साथ ही साथ बाघ की संरक्षण और बाघ को किसी प्रकार के डिस्टर्ब ना हो इसी एक समीक्षा बैठक भी हम लोगों ने करी। वन विभाग की सारा अमला उसको ट्रैक कर रहा है कि वहां पे कैमरे, सीसी कैमरा वगैरह लगे हैं उसके माध्यम से, ताकि किसी प्रकार की क्षति बाघ को ना हो, स्वतंत्र रूप से अपना जंगल में जहां भी उसको रहना है विचरण कर सके। राजनीतिक दलों की अपनी फिक्र है, क्योंकि इस आदेश के बाद इन 7 गांवों में भीड़ नहीं आएगी और ना ही लाउडस्पीकर से चुनावी प्रचार होगा। लेकिन वन्य प्रेमियों की फिक्र कुछ और है। 2018 में राज्य के 3 टाइगर रिजर्व में 9 बाघ थे। अचानकमार टाइगर रिजर्व में 5, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 1 और इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 3। लेकिन 2022 की रिपोर्ट में तीनों टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 7 रह गई, यानी 22% की कमी। हालात ये हैं कि देश के 51 टाइगर रिजर्व में इंद्रावती टाइगर रिजर्व 50वें स्थान पर, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व 48वें स्थान पर और अचानकमार रिजर्व 39वें स्थान पर है। कुछ साल पहले बारन व पारा अभयारण्य में बाघ लाने के लिए पहल की गई थी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड को सरकार ने चिट्ठी लिखकर नर और मादा बाघ उपलब्ध कराने के लिए पहल करने की बात कही, लेकिन ये प्रस्ताव फाइलों में ही रह गया। दुख की बात यह है कि अगर संख्या अगर कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस पे भी हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इसमें सीधा सीधा यह है कि कहीं ना कहीं पे प्रबंधन थोड़ा सा उस स्तर पे जूझ नहीं पाता है, क्योंकि अगर जंगल का जानवर यदि जंगल के बाहर आ रहा है तो एक सबसे बड़ी समस्या, उसके वजह से उनका शिकार भी होता है। छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में भी 55% की कमी आई है। उदंती सीता नगरी टाइगर रिजर्व में 70% और इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 95% तेंदुए कम हो गए हैं। 2018 में तीनों टाइगर रिजर्व में 240 तेंदुए थे, 2022 में 107 बचे हैं। उदंती सीता नगरी टाइगर रिजर्व में 2018 में 95 तेंदुए पाए गए, 2022 में 28 रह गए। अचानकमार टाइगर रिजर्व में 2018 में 87 तेंदुए थे, 2022 में 76। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 2018 में 58 तेंदुए थे, 2022 में सिर्फ 3 बचे हैं। वन्य प्रेमियों ने इस मामले में सरकार को खत भेजा है, मांग की है कि आपात स्थिति घोषित की जाए। संकेत है, आपात स्थिति बता रहा है पूरे प्रदेश में, हमारे पूरे प्रदेश में जिसमें अभयारण्य भी ले ले, अन्य वन भी ले ले, जहां पर लेपर्ड है उनमें 130 से 175 लेपर्ड्स की कमी हुई है, और उनमें सबसे ज्यादा कमी जो है वो टाइगर रिजर्व में हुई है। जानकार कहते हैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में शिकार बढ़ रहा है। वन विभाग में कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है, जिसकी वजह से बीट के हिसाब से गश्त नहीं हो पाती। जो जंगल के बाहर का क्षेत्र है, जैसे बफर जोन भी हो गया या बफर के बाहर टेरिटोरियल वाली भी जगह है, वहां पे अगर बाघ आ जाता है तो उसको बचाना जो है बहुत जरूरी है। लेकिन जो विभाग है वो पूरी तरह से जो है गश्त नहीं करते, उसके आने के बाद ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से शिकार होता है। इस बाघ की सुरक्षा की महती जिम्मेदारी अब वन विभाग के अधिकारियों के ऊपर है। अब देखने की बात होगी कि वन विभाग के अधिकारी इसको किस रूप में लेते हैं और किस तरह से बाघ की सुरक्षा
शिकारियों से करते हैं, क्योंकि बाढ़ अभ्यारण में कुछ दिन पहले ही शिकार की घटना भी सामने आ चुकी है। थोड़े दिनों पहले सारंगगढ़ में करंट लगने से एक बाघ की मौत भी हो गई थी। बलौदाबाजार से अपने सहयोगी दीपेंद्र शुक्ला के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।